रंजीत रेडियो सुन वाले सारे श्रोतियां नु रंजीत कौर संधु सोनी दी प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्कार आदा ते प्रोग्राम खास मुलाकात दे विच सारे श्रोतियां दा बहुत बहुत स्वागत। लो जी दोस्तों, एक होर खुशी दी गल ए है कि साडे इंडिया दे विच कोरोना जिहड़ा है कंट्रोल दे विच आ रहा, पर नाल ही चेतावनी मास्क लगा के रखना है, दूरी बना के रखनी है और अपना पूरा ख्याल रखना है इम्यून सिस्टम का। लो जी, अपने वादे मुताबिक हमेशा जिंदगी दे नवे रंग दे विच नवी कैनवस, नवा रंग, नवी शख्सियत ते नवी गलबात। लो जी, इस नूं ही मद्देनज़र रखदे होया अज असीं तुहाडी एक पॉलिटिशियन दे नाल मुलाकात करवाउण जा रहे हैं। जी हाँ, अज तुहाडी मुलाकात करवाउण जा रहे हैं डॉक्टर सतीश पुनिया जी दे नाल, जो कि राजस्थान दे विच बीजेपी दे प्रदेश अध्यक्ष ने और अमेर तो MLA ने और बड़े ही सीनियर पॉलिटिशियन ने। उन्हां दे नाल गलबात करांगे ते ये भी गल करांगे कि लोग कहिंदे आ कि पॉलिटिक्स बहुत गंदी है और लोग हमेशा पॉलिटिशियंस नू मतलब इस नज़र दे नाल देखते हैं। वैसे दोस्तों, मैं भी एक गल कहना चाहांगी, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर है, प्रेजिडेंट है, हर इंसान पहले एक इंसान है, तो उहदी भी एक जिंदगी है, उहदी जिंदगी च भी चुनौतियां। हाँ, कुछ गल्लां है, कुछ साडा सिस्टम खराब है, पर सानूं थोड़ा जिहा नज़रिया बदलण दी बहुत ज़्यादा जरूरत है। थानूं पता है ना, जिंदगी बहुत छोटी है ते छोटी जी जिंदगी दे विच आपां बहुत सारे काम करने ने और रणजीत रेडियो ने भी सोहणे सोहणे प्रोग्राम बना के थोड़े अगे पेश करने ने। लो जी, चलदे हां, मुलाकात करदे हां डॉक्टर सतीश पुनिया जी दे नाल, जो कि राजस्थान प्रदेश दे बीजेपी दे प्रदेश अध्यक्ष ने, सीनियर लीडर ने और अमेर तो MLA ने। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है, ये शिकायतों का दौर देखता हूँ तो थम जाता हूँ, लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। दोस्तों, जिंदगी इसी तरह दी है, बहुत सारे इम्तिहान होंगे जिंदगी दे विच, उतरा चढ़ा बड़े आते ने और असी रणजीत रेडियो दे वलों एक प्रोग्राम शुरू किया होया खास मुलाकात, और खास मुलाकात दे विच असी थोड़ी मुलाकात करवाते रहने बहुत सारिया शख्सियतों के नाल, पॉलिटिशियंस दे नाल, साइंटिस्ट दे नाल, साहित्यकारां दे नाल, तां कि असीं जिंदगी नूं वख-वख पहलुआं तों देख सकीए ते कुछ सीख सकीए। रणजीत रेडियो विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत, मैं हाँ तुहाडी दोस्त रणजीत कौर संधु सोनी। तो आज के जो कार्यक्रम है उसमें आज हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर सतीश पुनिया जी के साथ, जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं बीजेपी राजस्थान के और सीनियर लीडर हैं बीजेपी के और अमेर से MLA हैं। सबसे पहले उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन सर रणजीत रेडियो में आपका। धन्यवाद, थैंक यू जी सर। जैसे मैंने पहले ही जो लाइनें बोली उसमें कहा है कि लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है, और जब पॉलिटिशियंस की बात होती है तो हर किसी के दिमाग में एक बात तो आती है कि राजनीतिक क्षेत्र तो आम इंसान के लिए अच्छा नहीं है। जो शब्द लोग यूज करते हैं वो मैं करना नहीं चाहती कि पॉलिटिक्स तो बहुत एक गंदा फील्ड है, वहां तो चलाक लोग आते हैं, मतलब इस तरह की तमाम बातें होती हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो एक इमेज है वो मीडिएटर जो है खराब कर देते हैं, और जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके सामने भी बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, दुनिया में अभी तक शासन की जो प्रणाली रही है, सिस्टम जो रहा है, उसमें लोग कहते हैं डेमोक्रेसी सबसे बढ़िया मॉडल है जी। उसको अमेरिका, यूरोप और UK सब लोगों ने अडॉप्ट किया है जी। यानी हिंदुस्तान में कहें तो वोट का राज, और लोग जब कंपेयर करते हैं तो लोग कहते हैं कि मुगलों से बेहतर है, अंग्रेजों से बेहतर है। इसलिए वोट का राज इसलिए ठीक है कि इसमें अभिव्यक्ति की आजादी है, एक किस्म से लोग स्वतंत्र हैं जी, अपनी मन मर्जी का व्यक्ति अपनी मन मर्जी की सरकार बना सकते हैं जी। अब लोकतंत्र को अरसा तो बहुत हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि लोकतंत्र उतना रिफाइंड हो गया हो, अभी उसको और समय लगेगा। कुछ पर्दे के पीछे की विकृतियां हैं, कमजोरियां हैं, कुछ पर्दे के बाहर की हैं जी, लेकिन फिर भी इस बात से तो सब इत्तेफाक रखेंगे कि ये जो शासन प्रणाली है ये हमारे अपने लोगों की, जैसे कहा गया कि फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो लोगों के लिए लोगों का ही शासन है।
अब ये बात ठीक है कि लोग कहते हैं कि बहुत लोग कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स, हम जी राजनीति को ठीक नहीं मानते। ठीक इसलिए नहीं मानते कि उसमें उन्होंने केवल उस कमजोर पक्ष को देखा है, उस विकृति को देखा है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं क्योंकि मैं ताल्लुक रखता हूं उस तबके से, इसलिए जब कोई दिक्कत आती है तो लोग समाधान के लिए किसके पास जाते हैं? बिल्कुल यकीनन पॉलिटिशियन के पास आएंगे, उसके दरवाजे पे आएंगे। जी हमसे कोई व्यक्ति रात को फोन करके खून मांगता है कि तबीयत खराब है, खून चाहिए, तो हम व्यवस्था करते हैं। जी यानी पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स ये लोगों के लिए समाधान में नाराजगी के बाद भी समाधान का रास्ता राजनीति ही देती है। तो जी अभी लेकिन जो लोगों की एक इच्छा है वहां तक पहुंचने में समय लगेगा, क्योंकि जो कमजोरियां हैं वो हम लोगों को विकसित होते होते समय लगा है। हमने आजादी के लिए संघर्ष किया और बहुत लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन उसके बाद जो रिफॉर्म होने चाहिए थे, जैसी पॉलिटिक्स में प्योरिटी होनी चाहिए थी। मैं कई बार इसको रिजेंबल करता हूं कि लोग कहते हैं कि साहब गड़बड़ है, तो सोने के बारे में कहा जाता है कि ये 24 कैरेट है, लेकिन जब आप किसी ज्वेलर के यहाँ जाएंगे तो वो भी कहता है 21 कैरेट ही है, यानी वहां भी जी 3% मिलावट मिलेगी। जी तो इस फील्ड में यकीनन कमजोरियां भी हैं, कमियां भी हैं, और इस वजह से लोगों में निराशा भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। देश और दुनिया में जो बदलाव हुए राजनीति के कारण हुए, जहां शासन हुआ तो जिन्होंने अच्छा शासन दिया उससे बदलाव भी आया है। तो एक राजनीति के बारे में मिश्रित धारणा है, मिक्स फिनोमिना है, कोई सेट नहीं है। लोग कभी राजी भी होते हैं, नाराज भी होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली राजनीति समाधान का एक पक्ष है। जी मतलब पुनिया जी, जो लोग हैं वो नेगेटिव पक्ष की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, पॉजिटिव भी है लेकिन नेगेटिव की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। अब जो हमारा यूथ है वो कल आकर राज करेगा, लेकिन जो यूथ है उसमें देशभक्ति की कुछ कमी दिखाई देती है और वो कुछ कम अट्रैक्ट होता है पॉलिटिक्स की तरफ, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं हिंदुस्तान में हूं और दुनिया की सबसे नौजवान आबादी हिंदुस्तान में 65 करोड़ लोग। जी मैंने जिस आजादी के आंदोलन का जिक्र किया, वो आजादी भी उन नौजवानों की देन है कि जिस आजादी के लिए चंद्रशेखर, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह सब फांसी के फंदे पर चढ़ गए। इस देश में जो भी बहुत बदलाव होता है, अच्छा होता है, या देश के जो सम्मान को जो ताल्लुक रखता है, वो सब नौजवान करते हैं। ओलंपिक का कोई मेडल जीतता है तो नौजवान जीतता है, कोई वैज्ञानिक जाके अमेरिका और इंग्लैंड में नाम कमाता है तो वो नौजवान होता है। जी कुल मिला के इतनी ऊर्जावान नौजवान शक्ति है, लेकिन ये बात ठीक है कि उनका प्रत्यक्ष रूप से राजनीति उनका प्रोफेशन नहीं है, और इसलिए राजनीति में जब बहुत अच्छे काबिल लोग नहीं आते हैं, जब वो उससे सिस्टम से घृणा करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उस वैक्यूम को कोई तो भरेगा। इसलिए हमारी राजनीति में अंगूठा छाप की भी उतनी अहमियत है और किसी डॉक्टर और इंजीनियर की भी उतनी अहमियत है, क्योंकि वोट पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सिर गिने जाते हैं। जी दूसरी बात, आपने कहा कि हमारे यहाँ देशभक्ति, तो देखिए ये बात ठीक है कि देश में एक तबका ऐसा है जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। हमारे यहाँ का किसान है, जी बहुत मेहनत करता है, देश को मजबूत बनाता है, धरती को अन्नपूर्णा बनाता है। देश में ऐसे नौजवान हैं जो सीमा पर खड़े होके -40 डिग्री में भी और +40 डिग्री में भी देश की सेवा करने में हिचकते नहीं है, जी बलिदान भी देते हैं। जी एक वो नौजवान तबका है, लेकिन एक तबका वो भी है जो कैरियरिस्टिक है, जिसको अपने भविष्य की चिंता है, देश के भविष्य की चिंता कम है। जी एक वो नौजवान है जो जाति की मर्यादा में बंधा हुआ है। एक वो नौजवान है जो तिरंगे से प्यार करता है, संविधान से प्यार करता है, देश से प्यार करता है। मुझे लगता है कि अब जैसे उदाहरण के तौर पर कारगिल की लड़ाई हुई तो पूरा देश एकमुखी था, चारों जी तरफ तिरंगे नजर आते थे, और उन शहीदों की अंत्येष्टि में हजारों का हुजूम उमड़ता था। उन परिवारों की सहूलियत के लिए सरकारों से लेकर समाज ने, सबने पलक पावड़े बिछा दिए थे, यानी शहादत को सम्मान। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष देखते हैं कि भ्रष्टाचार है, जातिवाद है, अराजकता है, तो इन सब सवालों का जवाब भी किसी नौजवान के पास ही है। जातिवाद की बेड़ियां तोड़ेगा तो नौजवान तोड़ेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होगा तो नौजवान ही खड़ा होगा। जी मुझे लगता है कि आज के नौजवान को कैरियर के साथ साथ उस तिरंगे को भी मन में बसाए रखना जरूरी है, उस संविधान के सम्मान को भी जरूरी है, उन जाति की बेड़ियों से बाहर आके काम करने की जरूरत है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज को बुलंद करने की जरूरत है। तो दुनिया में बदलाव हुए हैं, उस बदलाव का कारण नौजवान ही हुआ है।
जी पुनिया साहब, इतिहास जो होता है, हमारी हिस्ट्री होती है, हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं इतिहास में, और वो गलतियों में फिर सुधार भी होता है। तो आपको क्या लगता है कि इतिहास में कौन सी बहुत बड़ी गलती हुई और बीजेपी गवर्नमेंट ने आकर उसमें सुधार किए? देखिए, जो मैंने कहा कि जब हमारा देश आजाद हुआ, एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, जी बरसों तक गुलाम रहे, आजाद हुआ, तो देश के सामने एक प्रश्न था कि सहूलियतें कैसे होंगी, डेवलपमेंट कैसे होगा, रोजगार कैसे होंगे, एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन देश में कोई निश्चित ऐसी कोई मॉडल नहीं था, कोई रोड मैप नहीं था कि किसानों को क्या सहूलियतें दें, नौजवान के लिए रोजगार की क्या व्यवस्था होगी, कोई बीमार होगा तो उसकी क्या व्यवस्था होगी, किसान को सहूलियत कैसे देंगे, महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी, उनको समाज में इज्जत और सम्मान कैसे मिले, इसकी व्यवस्था क्या होगी। कुल मिलाकर एक बड़ी चुनौतियां देश के सामने थी, एक कोई निश्चित रोड मैप नहीं था। जैसा सरकारें रही तो वो कैजुअल तौर पे काम करती रही, यानी तत्कालीन कोई समस्या आई उस समाधान के लिए काम कर दिया। लेकिन कुछ चुनिंदा सी उदाहरण है जिसमें लगता है कि उस समय एक लिमिटेड सी सोच थी। जी अब मैं यदि उसको रिजेंबल करूं आज के संदर्भ में, आपने सवाल किया तो जी देखिए, आप बहुत दूर से मुझसे बातचीत कर रही हैं। जी हिंदुस्तान के बारे में ये तो मानते हैं लोग कि हिंदुस्तान ने संघर्ष किया, हिंदुस्तान में टैलेंट खूब है, हिंदुस्तान की आबादी है, ह्यूमन रिसोर्स खूब है, लेकिन कुछ कमजोरियों के बारे में भी लोग चर्चा करते थे। मुझे मेरे एक अमेरिका के मित्र ने बताया कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में टॉयलेट बनने चाहिए, तो उन्होंने कहा कि यार, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री कहता है टॉयलेट बनने चाहिए, तो बात तो छोटी थी, जी पर ये तो सोचना ही पड़ेगा ना जी कि जिस देश में महिला अंधेरा होने का इंतजार करती हो, उसकी सुरक्षा और सम्मान पर चोट पहुंचती हो, उसकी सीधे सीधे हाइजीन पर जब सवाल खड़ा होता हो, स्वास्थ्य के कारणों पर सवाल खड़ा होता हो, तो देश में शौचालय क्यों नहीं बने, 10 करोड़ शौचालय बने। तो ये बड़ा क्रांतिकारी कदम है महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान और स्वास्थ्य का। जी अब जब हम सभ्य समाज में होते हैं, विकसित होते हैं, तो बैंक का खाता एक बड़ी सामान्य सी चीज होती है, बैंक अकाउंट, जी जो व्यक्ति जो ही मैच्योर होता है उसको सबसे बड़ी जरूरत होती है। लेकिन इस देश में 135 करोड़ की आबादी में 44 करोड़ बैंक खाते अभी क्यों खुले जी? यानी ये कमजोरी रही है पहले की सरकारों की, उनके पास कोई विजन नहीं था। ये खाते खुलने से कोई पूछे जी क्या लाभ हुआ, तो जी सीधे तौर पर कोई आज मजदूरी कर रहा है, नरेगा की मजदूरी करता है गांव में, कोई किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन में काम करता है, कोई आंगनबाड़ी वर्कर काम करती है, कोई हेल्थ वर्कर काम करते हैं, कोई मजदूरी करता है। अभी तक उसके लिए सीधे सीधे कैश आता था, उस कैश में लोग कमीशन लेते थे, अब वो पैसा सीधा उसके अकाउंट में जमा होता है, यानी भ्रष्टाचार जीरो हो गया, उस पर एक तरीके का पहरा लग गया। जी बैंक का खाता लगना ये बड़ी बात है। देश जी में करोड़ों लोग ऐसे थे जिनके सर पे छत नहीं थी। मैं राजस्थान में हूं, यहां से ताल्लुक रखता हूं। 15 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास यानी घर जिसपे वो अपने परिवार के साथ रह सकता है, 9 लाख मकान बन गए, तो ये पहले भी बन सकते थे जी। जी हमारे यहाँ अभी तो दुनिया बदल गई, इसलिए गैस कनेक्शन बहुत यूं लगता है कि ये रूटीन का काम है, लेकिन मैं उस पीढ़ी से आता हूं जिसने ये चीजें बदलाव देखी है। हमारे मेंबर पार्लियामेंट जब पर्ची लिख के देता था तब गैस का कनेक्शन मिलता था, यानी आम आदमी की रीच से बाहर था, और गांव की महिलाएं वही चूल्हे पे और लकड़ियों से धुआं से जलती हुई उनकी आंखें वो वही काम करती थी। लेकिन आज देश में 11 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस के कनेक्शन मिले, बड़ा बदलाव है, किसी को लगे या नहीं लगे, लेकिन बड़ा बदलाव है बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहा है। जी। बुनियादी विकास जिसको कहते हैं कि बिल्कुल ग्रास रूट पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, उसका एक पार्ट है कि लोगों को सहूलियत कैसे मिले। जी अच्छा डॉक्टर पुनिया जी, आप राजस्थान में हैं, जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने रेत आती है, हमारी आंखों के सामने ये आता है कि वहां पानी की कमी है और बहुत सारी सामाजिक बुराइयां भी हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, डॉरी सिस्टम को लेकर। अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे मैंने सुने हैं कि अभी भी वहां जो है फीमेल फिटिसाइड होता है,
चाहे पढ़े लिखे लोग भी करते हैं लेकिन वहां कुछ ज्यादा है। तो इसके लिए आप क्या फ्यूचर में कदम उठा रहे हैं या उठाए हैं आपने? दो चीजें हैं, एक तो सामाजिक बुराई है, जैसे आपने कहा कि महिलाओं की भ्रूण हत्या और दहेज, इनके लिए सरकारें कानून बेशक बनाती, हालांकि अभी बहुत कुछ तो बदलाव आया है लेकिन अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है जी। और इस लिहाज से ये ठीक कहा आपने कि अभी भी इन जो सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे अभी देश में नशा एक बड़ी बीमारी एक प्रवृत्ति के रूप में खड़ा हुआ है, आज भी सामाजिक रूप से अनटचेबिलिटी कहीं ना कहीं दिखती है, छुआछूत जिसको हम लोग बोलते हैं, तो कुल मिलाकर एक सामाजिक रूप से भी चेतना की जरूरत है, क्योंकि उसके लिए केवल कानून पर्याप्त नहीं है, कानून का पालन ठीक से हो जी और समाज भी इन चीजों को गौर करे जी। मैं इस चीज की जरूरत महसूस करता हूं और खासतौर पर हम अपने जो महिला विंग है पार्टी का, जो महिला मोर्चा है, उसको हम लोग इसी काम के लिए बोलते हैं कि आप अपने अपने क्षेत्र में जो हमारी यूनिट काम करती हैं वो सारी बहनें महिलाएं जागरूकता के लिए काम करें। एक दूसरा पक्ष ये है कि कई जगह तो जेंडर इक्वलिटी है आपस में, जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे जी, वहाँ महिला फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, वो व्यापार भी वही करती है, नौकरियों में वो दिखती हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी दिखती है, लेकिन एक हिस्सा ये जो मेल डोमिनेटिंग है वहाँ ये एट्रोसिटी ज्यादा होती है जी। तो जैसे जो भारत में जो मैंने बातें कही उसमें बड़ी बात ये भी थी कि प्रधानमंत्री को इस बात का एहसास था कि देश में जो सेक्स रेशियो है 1000 के मुकाबले 888 था, यानी बहुत बड़ा गैप था जी। उन्होंने 2015 में कैंपेन शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब कोई ये कह सकता है क्या बेटी बचती नहीं या बेटी पढ़ती नहीं, ये सच था, ये समाज की विडंबना थी, ये बड़ी विकृति थी कि वास्तव में हिंदुस्तान की बेटियों के साथ ये अत्याचार होता था, लेकिन उस सरकार ने कोशिश की और आज मैं कह सकता हूँ कि उस अपील का इतना असर हुआ कि 1000 में से 925 इतना डिफरेंस हुआ है 888 से, तो एक बड़ा बदलाव आया जिसमें सामाजिक संगठनों ने भी भूमिका निभाई, समाज ने भी थोड़ा गौर किया। तो बेटियों को इज्जत, बेटियों को सम्मान और बेटियों को बराबरी ये है, लेकिन अभी भी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको गांव में रोजगार के लिए, जब तक वो आश्रित होंगी, आर्थिक रूप से कमजोर होंगी, तो महिलाओं के जीवन में बदलाव नहीं आ सकता। इसी तरीके से देश में आपने सुना होगा कि ट्रिपल तलाक को खत्म किया भारत के प्रधानमंत्री की अगुवाई में, मुस्लिम बहनों पर एक बड़ा एट्रोसिटी होती थी और उनकी एक किस्म से वो गुलाम होती थी, आजादी की सांस नहीं ली थी उन्होंने, इस ट्रिपल तलाक से उनको आजादी मिली और वो मुस्लिम बहनें आज समाज के साथ खड़ी हैं। तो कुछ ऐसे कानून बने जिन कानूनों से भी लाभ हुआ है, जिसको समाज ने भी स्वीकार किया है, पर मुझे अभी भी लगता है कि ये बात ठीक है कि कानूनी तौर पर, स्वास्थ्य के तौर पर महिलाओं में अभी भी और भी जागरूकता करने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम लोग बराबर काम करें और करेंगे भी। बिल्कुल जी जी डॉक्टर पुनिया जी, ये बात सच है कि हमें भी खुद जागना पड़ेगा, अगर कोई दरवाजा खटखटा रहा है कि आप दरवाजा खोलो तो हमें भी खोलने के लिए हिम्मत करनी पड़ेगी। अच्छा, आगे जाके एक बात बहुत बड़ी चुनौती आती है, पार्टी कोई हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जब वो अपना कार्यकाल होता है उसका 5 साल का समय होता है, जनता उनको 5 साल का समय देती है और कई बार बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट वो अपने कार्यकाल में स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कार्यकाल समाप्त हो जाता है और वो प्रोजेक्ट जो है वहीं पे खड़ा हो जाता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बात ठीक है कि हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम में रेड टेपिज्म, जिसको लाल फीताशाही कहते हैं जी, जिसमें इन सब चीजों के लिए किसी सरकार ने कोई योजना लागू की, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए किया, तो वो प्रोसेस होते होते और सरकार के आखिरी जो स्पेल होता है उसमें कहीं न कहीं वो बड़ी मुश्किल से पूरा होता दिखता है, फिर दूसरी सरकार आ जाती है, दूसरी सरकार पहली सरकार की स्कीम्स को बंद कर देती है या होल्ड कर देती है और उससे अल्टीमेटली डेवलपमेंट रुक जाता है, एक कारण जी। दूसरा, हमारे यहाँ पहले देश में कहते थे हड़तालों का देश है, अब कहते हैं चुनावों का देश है, ग्रास रूट से लेके पार्लियामेंट तक के पूरे 5 साल चुनाव चलते हैं, कभी असेंबली के होंगे, कभी पंचायती राज के होंगे, कभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के होंगे, म्युनिसिपलिटीज के होंगे,
उसके कारण जो कोड ऑफ कंडक्ट लगता है उसमें 6 महीने ये सारी गतिविधियां ठप हो जाती हैं। तो किसी भी एक सरकार के कार्यकाल में लगभग 1 से 1.5 महीने 1.5 साल ये कोड ऑफ कंडक्ट की रेस्ट्रिक्शंस में निकल जाता है, और जो 3.5 साल बचते हैं उसमें वो चीजें ठीक से एग्जीक्यूट नहीं होती, चुनाव आ जाते हैं जी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, जिसका लोगों ने कुछ ने समर्थन किया है, कुछ ने अभी न्यूट्रल है, कुछ ने विरोध किया है, लेकिन ये देश में एक रूपता रहे, जैसे वन नेशन वन टैक्स की बात करते हैं जी, वन पर्सन वन राशन कार्ड की बात करते हैं, उसी तरीके से देश में जब वन कॉन्स्टिट्यूशन वन फ्लैग इन सब की चीजें होती हैं, तो अब वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक साथ होंगे, देश का पैसा बचेगा और एक व्यवस्था विकसित होगी जिससे अल्टीमेटली सभी को फायदा होगा, और इस तरीके की जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइम पे पूरे हो पाएंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर पुनिया जी, जो समय होता है बहुत कीमती होता है, इसको बचाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक पॉलिटिशियन के लिए भी उतना ही समय है जितना आम इंसान के पास है। जाते जाते एक बड़ा ही जो अहम मुद्दा हमारे अब पूरे विश्व में खड़ा हुआ है, जो मुझे लगता है इंसान ने खुद ही इसको जन्म दिया है, कुछ और कारण भी रहे हैं, मैं कोविड की बात कर रही हूँ। कोविड के दौरान बहुत सारी ह्यूमिनिटी का नुकसान हुआ है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हुआ है, और कहीं ना कहीं हम खुद भी जिम्मेवार हैं। हमने अपने घरों में वृक्ष खत्म करके एसी लगवा लिए, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, एनवायरनमेंट के लिए सरकार पहले भी काम करती थी, लेकिन अब ऐसे लगता है कोविड के आने के बाद कि इस पे और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, लाइफस्टाइल पे भी और ये सब पे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये बात सही है कि मानव ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है जी। अब विज्ञान और उससे जुड़ी हुई चीजें वो सुविधा भी है और दुविधा भी है जी। जो आपने अपनी बात में ही कही है कि एसी लगवाए तो एसी सहूलियत भी है और एसी की तकलीफ भी है। कुल मिलाकर देश में और दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग है और एनवायरनमेंट को लेके जो इश्यूज खड़े हुए हैं वो सही हैं, और प्रकृति कई बार चेतावनी देती है किसी साइक्लोन के जरिए, किसी पेंडेमिक के जरिए। मुझे लगता है कि कोविड ने लोगों को एक तरीके की एक अलार्म जो जिसको कहते हैं बजा दी है, कि लोगों को अपनी लाइफस्टाइल, लोगों की उनकी दिनचर्या, लोगों का अपना खान पान, लोगों का हाइजीन, लोगों का हेल्थ डिसिप्लिन, और लोगों को बाकी चीजों का अनुपालन करते हुए किस तरीके से जीवन जिया जाए। तो अभी जैसे आपने ही कहा कि ऑक्सीजन, तो देखिए प्रकृति की पूर्ति तो प्रकृति करेगी, और सामान्य तौर पर पर्यावरण को जो खतरा होता है, तो जैसे मैं भारत की बात करता हूं तो जितने पेड़ लगते नहीं होंगे उतने कट जाते हैं, और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि एक एक पेड़ 100 पुत्रों के समान है, यानी उससे इतना फायदा है, और जो खास तौर पर ऑक्सीजन का सीधा सीधा सोर्स है, पर्यावरण की मजबूती का सोर्स है, और उससे जितनी सहूलियतें होती हैं, तो हर लिहाज से ही, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक की बात भी करें तो जो एक सेल्फ डिसिप्लिन की बात आती है, तो जैसे लोगों ने हमारे यहाँ ये चेतावनी के बाद भी बड़े बड़े भीड़ के आयोजन किए, मास्क का उपयोग नहीं किया, सैनिटाइजेशन प्रॉपर नहीं किया जी, दूरियां बराबर नहीं रखी, तो वो सारी चीजें थी जो सबके सामने घटित हो रही थी। लोग स्वीकार भी करते हैं कि बहुत सोशल गैदरिंग को लोगों ने अवॉइड नहीं किया। हमारे यहाँ ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं कि विवाह समारोह में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए, संक्रमित हुए और उसमें तकलीफ भी हुई जी। तो कुल मिलाकर ऐसी पेंडेमिक है वो ये चेतावनी देती है कि आप अनुशासन में रहिए और उस अनुशासन का पालन भी करिए, ताकि अपना जीवन बचाया जा सके और लोगों का जीवन बचाया जा सके जी। डॉक्टर पुनिया जी, आपके माध्यम से हम लोगों के साथ गुजारिश करना चाहते हैं, त्रिवेणी जैसे आप भी जानते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, कुछ इस तरह का कार्यक्रम स्टार्ट हो कि कुछ किलोमीटर्स के ऊपर गैप के साथ त्रिवेणी के जो वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगाए जाएं, ताकि ये जो ऑक्सीजन की समस्या आई है भविष्य में ना आ सके। और रंजीत रेडियो की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही कीमती समय दिया, उसके लिए आभार जी। धन्यवाद आपसे जुड़ने के लिए, थैंक यू जी। सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल। लो जी दोस्तों,
ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਔਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਚਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਚਲ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰਸਨਲੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਨਤਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕੇ ਔਰ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਔਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਵਰਗ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟੀ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਵਜਨਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਗਰ ਵੇਸਟੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਟੂਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨਾ ਲਗਾਵੇ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਓ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।